हाय, मैं हूँ परमिंदर और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल परमिंदर मित्र पे। मैं एक जरिया बन रही हूँ अपने अनुभव शेयर करके सीरीज़ के थ्रू, जिसको मैंने नाम दिया है मंत्र ऑफ सक्सेस। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी बातें मैं यहाँ पे नहीं करने वाली हूँ। और इसी लड़ी में मैंने जो आज शब्द उठाया है वो है रिकॉग्निशन। जी हाँ, पहचान आप किसी चीज़ की करें या किसी आदमी की करें या उसके किसी गुण के करें या व्यवहार की करें या उसके वर्क की करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल लीडर एंड फॉर दैट मैटर मैनेजर और एनीथिंग। इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव गुड इन लाइफ एंड यू वॉन्ट दैट पीपल अल्टीमेटली रिकोगनाइज यू एज अ पर्सन और अ पर्सनैलिटी, द बेस्ट वे इज टू स्टार्ट रिकोगनाइजिंग स्मॉल थिंग्स अबाउट पीपल। रिकॉग्निशन मतलब कि आपने किसी को आइडेंटिफाई करना है, और जैसे मैंने कहा वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आप किसी पर्सन में अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो उसकी स्किल से लेके, उसकी पर्सनालिटी से लेके, हो सकता है कि वो आपको विश कर रहे हैं तो उसी को आप अच्छे से विश बैक करिए। दैट कैन बी वन काइंड ऑफ रिकॉग्निशन। ये आपका है कि आप किस लेवल पे रिकॉग्निशन करना चाहते हैं। और ये जो रिकॉग्निशन है वो अवार्ड से भी होती है, वो सर्टिफिकेट से भी होती है, या फिर दो शब्द आप अच्छे बोल दें तो वही रिकॉग्निशन हो जाती है। बेसिकली रिकॉग्निशन वो चीज़ है कि अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो कोई आदमी अगर हार्डवर्क कर रहा है, पेंस ले रहा है, या फिर मान लीजिए अच्छा काम कर रहा है, तो ये जो सक्सेस के बाद उसने जो अच्छा काम किया है उसके लिए जो सक्सेस है, उसके बाद जो उसके फेस पे ग्लो आनी है या उसके मन में ग्लो आनी है या दिल में ग्लो आनी है या वो अपने लिए फील गुड करे, वो हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम अगर उस जगह पे हैं तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें। इसका उल्टा ये है कि अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, उस चीज़ की पहचान नहीं करते हैं, उसको एडमिट नहीं करते हैं कि वो आदमी अच्छा काम कर रहा है, तो क्या होता है कि आप उसको, हम इस चीज़ को ऐसे बोलेंगे कि आप उसको मिसट्रीट कर रहे हैं, उसके लिए अनफेयर हैं, उसको अपनी रिकॉग्निशन से आप डिप्राइव कर रहे हैं, तो दैट goes completely negative against you as a manager, as a leader. ये इसका दूसरा पहलू है। और एक और पहलू है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि अगर जो लीडर होता है वो मासेस का लीडर होता है, एक अचीवर होता है, अचीवर वो हो सकता है जिसने सारा फोकस अपने ऊपर कर रखा है, और लीडर वो होता है जो मासेस के ऊपर फोकस करता है और मासेस उसे लीडर बनाते हैं या अचीवर बनाते हैं। और वो लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट गुण होता है कि रिकोगनाइज करना। अब रिकॉग्निशन के लिए ये आपके ऊपर है कि आप कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं। हजारों फ्रेजेज हैं आप यूज़ कर सकते हैं, हजारों तरीके हैं आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो रिकॉग्निशन जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन जनरेट करता है या इमोशन देता है, और आपका जो रिलेशन है किसी के साथ में भी उसको बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकता है अगर आप अच्छाइयों को रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये एक सक्सेसफुल मंत्र भी है। अगर आप महाभारत को उठा लें, अगर श्री कृष्णा जी ने अर्जुन को रिकॉग्नाइज नहीं किया होता या उसको अपनी अच्छाइयों के बारे में नहीं बताया होता, तो जो भी अर्जुन जी कर पाए अपनी ज़िंदगी में या जिस तरह से महाभारत में लिखा हुआ है, तो शायद वो नहीं कर पाते। तो ये गुण होता है अच्छे लीडर का। और रिकॉग्नाइज किया तो इसका मतलब ये नहीं है, और ये भी देख लीजिए रिकॉग्नाइज किस लेवल पे किया है, कि वो अर्जुन के रथवान बने हैं श्री कृष्ण जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण वो उसके रथवान बने हैं, वहाँ तक रिकॉग्नाइज उसको किया है, उसको उसकी अच्छाइयों को उस तरह से वो आगे लेके बढ़े हैं। तो सोच लीजिए कि किस तरह का आप इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं अपनी जो सक्सेस की गाड़ी है उसमें। लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, तो उनको रिकॉग्नाइज करिए, उनकी अच्छाइयों को आइडेंटिफाई करिए, और हो सके तो उसको विभिन्न तरीके से, विभिन्न समय में, विभिन्न लोगों के बीच में उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते रहिए। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि रिकॉग्निशन जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जस्ट हम प्रेज कर रहे हैं अपना काम निकालने के लिए तो वो लोगों को समझ में आता है कि, और वो चला जाएगा। वो भी एक तरह का, अगर सीनियर लेवल पे देखें तो वो भी एक तरह का बटरिंग हो जाता है कि हम लोग काम निकालने के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप जेन्युइनली किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन योर सक्सेस, बिकॉज पीपल आर देयर इन द पाथ ऑफ योर सक्सेस ऑलवेज। उनको साथ में लेके चलिए। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगी अगले कुछ और वीडियोस में इन चीज़ों पे करने लगे। तो आज हमारा शब्द था रिकॉग्निशन।
तो आप रिकॉग्नाइज करिए लोगों को और अपने लाइफ को और अच्छा करिए और सक्सेस को हल्का फुल्का बना के हल्के फुल्के तरीके से आगे बढ़िए. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय. टेक केयर.